कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया था। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर महेश मालवीय ने जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का ब्यौरा रखा, विधायक माधव मारू सख्त लहजे में बोले कि 40 वर्ष पहले मनासा में 30 बेड का अस्पताल बनाया था, वह आज भी 30 बेड का ही है, उसके उन्नयन के लिए कुछ नहीं किया गया। विधायक मारू ने तो बैठक में यह तक कह दिया कि क्या नीमच में ही विकास होंगे, मनासा में जन भागीदारी करना पड़ेगी। हमने तो जन भागीदारी करके 40 लाख का ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया है। विधायक मारू के सख्त लहजे को देख कैबिनेट मंत्री और जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी चुप नहीं रह पाए और उन्होंने कहा कि जिले को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच बहस में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी कूद गए। तीनों की तीखी बहस को देख मीडिया कर्मियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह देख प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि यह मीडिया का क्या काम है। उसके बाद अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालात यह रहे कि कुछ मीडिया कर्मियों के कैमरे और मोबाइल से अधिकारियों ने रिकॉर्डिंग को डिलीट भी करवाया। हालांकि जो भी रहा हो, पर विभागीय समीक्षा बैठक में मीडिया को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं था। अगर तीनों विधायक को बहस ही करनी थी तो बैठक में सार्वजनिक रूप से नहीं करते, लेकिन यह दूसरा मौका है जब विधायक मारू ने मनासा क्षेत्र का मुद्दा उठाया और बहस से वे यह संदेश दे गए कि मनासा विकास से दूर है।